अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटी सी वीडियो मैं बना के डाल रहा हूँ। लोगों को ना बेसिकली समझ नहीं आ रही। कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि जी कीवर्ड्स की शॉर्ट लिस्टिंग आप करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं आपको ना एक क्विक ओवरव्यू देने लगा हूँ। इसको काइंडली अपने माइंड में बिठा लें कि आपने रूट कीवर्ड्स की बेस के ऊपर ग्रुप्स बनाने, अगर आपने कैंपेन में लगाने अपनी पीपीसी की। मिसाल के तौर पे अब ये हमारे पास उस दिन का जो हमने फाइल वही जो डाउनलोड की थी, ये वही 23,699 कीवर्ड सारे के सारे हमारे पास मौजूद हैं। और इसके ऊपर अभी देखें कोई फिल्टर इसके ऊपर नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि देखें, जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की जो एग्जैक्टली डिस्क्राइब करते हो, तो पहले तो आप ये करें कि उसका वर्ड काउंट जो है वो बड़ा होना चाहिए। 4 से ऊपर ही हो तो अच्छा है। आप 4 से ऊपर ये फिल्टर लगा लें, या इससे पहले आप ऐसा ये करें कि आप सबसे पहले ना कंपेटर की परफॉर्मेंस का फिल्टर लगा लें, कि जहाँ पर उसकी कंपेटर की परफॉर्मेंस जो है वो 10 और 5, 5 हाफ से हाफ वे थ्रू है, उससे ऊपर हो, और जो टॉप वाले हैं उनसे कम हो। जैसे कि ये 10 और 8 टॉप है, और 4, 6, 4, 4.8, 3.6, 3.2, और ये जो बाकी सारे हैं ये बहुत ही लो हैं, ये हो सकता है कि रेलिवेंट ना हो। अब ये अब एक मीडियम ग्राउंड आपने उठा लिया। ये इसलिए कि जी वहाँ पे कोई कमी होगी कंपेटर्स की, वो ऐसे कीवर्ड आपने तलाश करने होते हैं जहाँ कंपेटर्स अच्छे परफॉर्म ना कर रहे हो। तो आपने ये पहला फिल्टर आपने ये लगा लिया जी। ये जब आप फिल्टर लगा लेंगे तो आपके जो कीवर्ड हैं शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। पहले वो 23,000 कुछ आ रहे थे, अब ये टोटल आ रहे हैं जी 176। अच्छा, अब 176 में से भी हमने फर्दर ये करना है कि हमने ये देखना है कि इनमें से भी जहाँ पे एवरेज रैंक जो है वो फर्स्ट पेज की लोअर बॉटम की तरफ हो, फर्स्ट पेज की लोअर बॉटम की तरफ हो। मकसद ये कि अगर 48 रिजल्ट आते हैं आपके डेस्कटॉप के ऊपर, तो लोअर जो होगा वो 30 से अब होगा। तो हम कहते हैं जी वहाँ पे कंपेटर जो है वो 30 या उससे ऊपर की एवरेज अगर उनकी आ रही है, तो वो जो है ना सिर्फ कीवर्ड्स हमें दिखा दो, क्योंकि लोअर बॉटम पे होंगे उन कीवर्ड्स के ऊपर आपके कंपेटर्स की एवरेज जहाँ पे ये आ रही है। तो ये अब हमारे पास और कोई कम होके 176 से 147 रह गए। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जी इसमें से वर्ड काउंट जो है ना बेहतर किसका है, ज्यादा बड़ा वर्ड काउंट किसका है। अब ये 2, 3 और 4 टेल तो छोड़ ही देना, आपने लॉन्ग टेल उठाने, अभी लॉन्ग टेल लगा ली। अब ये आपके पास कीवर्ड्स आ गए। अब ये क्या है, ये ओवरऑल पूल में से है, ये किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब हमने उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है। फर्ज करें हम करते हैं एक ऐसा फिल्टर लगा देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें चाहिए ब्रूम और हमें चाहिए होल्डर। अब हम ब्रूम होल्डर का जो मेन रूट कीवर्ड था, यानी रूट कीवर्ड था, उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम। इनमें से इन सारे कीवर्ड में से सिर्फ वो कीवर्ड उठा के एक कैंपेन में डालना चाहते हैं जहां ब्रूम होल्डर टारगेट हो रहा हो, और हम ब्रूम होल्डर को रैंक करना चाह रहे हैं स्केल करके बाद में, जब कभी फ्यूचर में हम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो हम एक एड ग्रुप बना रहे हैं उसमें क्या कीवर्ड होना चाहिए वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है जी। अभी हम इसको ओके करते हैं। तो ये आपके पास और कम हो गए, ये आप कितने रह गए जी। अब वो 23,000 में से आपने टोटल जो कीवर्ड निकाल लिए इस टाइम, वो आ रहे हैं 14। 14 के अंदर से भी कुछ, जैसे ये बैरी वाला कीवर्ड है, ये 3M ब्रूम है, ये सारे ये ब्रांड नेम है बेसिकली। ठीक है जी। इसको तो आप भूल रहे हैं कि ये जो शॉर्टलिस्ट आपके हुए हुए हैं इनको वैसे निकाल दें यार। ठीक है। तो ये अब ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ये कीवर्ड हैं, और ये कीवर्ड है जी 12। ये 12 कीवर्ड निकले, और इसमें देखें कैसे शानदार कीवर्ड आया। ये आपने जब उसको वो किया है कि वो 6 टेल है, 20,000 का उसका सर्च वॉल्यूम है, 944 सिर्फ उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, 17,000 की उसकी सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है, सीपीआर उसका 358 का है, और लोग उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे। एवरेज जो है देखिए, एक 35th पोजिशन पे खड़ा हुआ है, एक 47th पे है, एक 126 पे है। तो इसमें काफी गैप भी है जो आप
यूज कर सकते हैं इस कीवर्ड को, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपको पहले स्ट्रेटेजी बनानी है, कोई कीवर्ड्स निकालने हैं और उन कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है। तो ये ऐसे स्ट्रेटेजी आपने बनानी होती हर ग्रुप की अलहदा। तो अगर उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो अपना कोई सैंपल उठा के किसी अपने प्रोडक्ट का या किसी भी और उसका, उस पर प्रैक्टिस कर लें थोड़ी देर, थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। दो चार प्रोडक्ट्स के कीवर्ड रिसर्च करके देख लें। ठीक है जी, थैंक यू।